जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। दहशतगर्दों की तलाश में सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके को घेरा। डोडा आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से की बातचीत। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना को सरकार की खुली छूट। बिहार में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या से सनसनी। दरभंगा के घर में जितिन सहनी का शत विक्षत शव मिला। जांच के लिए एसआईटी गठन। मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में महाजंगल राज। जेडीयू बोली, हत्यारे को पाताल से भी खोज लेंगे। लोकसभा चुनाव में हार पर यूपी बीजेपी में बगावत की आग। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्राइमरी टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस पर उठाए सवाल। मंत्री संजय निषाद बोले, बेलगाम हो गए हैं नौकरशाह। भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। गलत तरीके से पट्टा देने के आरोप में आईएएस को सस्पेंड किया। वाराणसी में घटिया सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर 50 लाख का जुर्माना। यूपी के मेरठ में बारात में डीजे बजाने पर दो समुदाय में भिड़ंत। पथराव में कई लोग जख्मी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। 18 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर। महाराष्ट्र की विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की एक और मुश्किल। अब उम्र को लेकर गड़बड़ झाला सामने आया। 2020 के एप्लीकेशन में 30 साल और 2023 के एप्लीकेशन में 31 साल की उम्र को लेकर उठ रहे सवाल। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने अमनप्रीत सहित 5 लोगों को अरेस्ट किया। करीब 2.5 किलो कोकीन बरामद। यूपी से बिहार तक बाढ़ से हाहाकार। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट। तो मुंबई, ठाणे और पालघर समेत कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट।